वालेकुम। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यूके यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं फॉर स्टडी वीज़ा, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने कंसल्टेंट से किस तरह डील करना है। यूके में किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिनमें आइल्स, पीटी एंड लैंग्वेज सर्ट आता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ आइल्स ही प्रेफर करती हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीटी और लैंग्वेज सर्ट भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। सो मेरा मशवरा ये है कि आप आइल्स कर लें, उससे ये है कि आपके पास वाइड रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यूके में दो ही इनटेक होती हैं, जनवरी और सितंबर इनटेक। जनवरी इनटेक स्टार्ट होता है तो यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देना स्टार्ट कर देती हैं, और 2 से 3 मंथ्स के अंदर वो अपनी एडमिशन क्लोज कर देती हैं। तो अगर तो आपको उस टाइम के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर दिया तो ठीक है, अगर तो आप अप्लाई नहीं कर सके तो आपको फिर तन सितंबर इनटेक में अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप जनवरी इनटेक में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहिए, ना कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ जाएं और अगर किसी वजह से आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना हो सका किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपका जो जनरल इनटेक होता है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बाकी यूनिवर्सिटी में फिर आपके पास अप्लाई करने का टाइम नहीं होता, डेट सबकी क्लोज हो जाती हैं। सो बेहतर ये है कि आप एटलीस्ट 3 यूनिवर्सिटी में अपने कंसल्टेंट को फोर्स करके उसको कहें कि आप मेरा 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करवाएं। देन अपने कंसल्टेंट से यूनिवर्सिटीज़ की इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपका फ़र्ज बनता है कि आप खुद भी रिसर्च करें, आप देखें कि आपकी मर्ज़ी का कोर्स इस यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है या नहीं, फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, किस यूनिवर्सिटी में आइल्स रिक्वायर्ड है या पीटी रिक्वायर्ड है, जो भी आपने इंग्लिश टेस्ट दिया हुआ है कौन सा रिक्वायर्ड है इस यूनिवर्सिटी में, वो चेक करें, ना कि आप सिर्फ अपने कंसल्टेंट की मान के उसकी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें और उसकी पसंद के कोर्स में एडमिशन ले लें। तो बेहतर है आप अपना खुद रिसर्च करें, खुद देखें सारी चीज़ें आपको पता हो, क्योंकि देन आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू भी होना है, उसमें भी अगर तो आपने रिसर्च की होगी तो आप अच्छे से इंटरव्यू दे सकते हैं, आपको चीज़ों का पता होगा और आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर को। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू की तैयारी कंसल्टेंट के ऊपर होती है, वही आपको नोट्स प्रोवाइड करता है और वही आपके मॉक टेस्ट लेता है, आपको प्रिपरेशन करवाता है अच्छे से कि आप जो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू है वो पास कर सकें। मज़ीद इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखना।